हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल से ऑटो पास। तो आज मेरे पास में हीरो की एचएफ रिलैक्स बाइक आई है, BS4 2019 मॉडल। ज़्यादा बाइक चली नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम में आ रही है कि इसका जो शॉकर है आगे के, वो काफ़ी इतने टाइट चल रहे हैं कि बाइक अगर थोड़े बहुत भी खड्डों में चल रही है तो इतना वाइब्रेशन हो रही है फुल। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो की क्लिप दिखा रहा हूँ, इस टाइप से बाइक कर रही है और अगर थोड़ा बहुत बड़ा खड्डा आता है तो शॉकर काफ़ी टाइट दबते और काफ़ी टाइट ही बाहर निकलते। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है वही आज शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं हर रोज़ एक दो वीडियो लाता रहता हूँ रिपेयरिंग की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ऐसे आपके पास में भी कोई भी बाइक के अंदर प्रॉब्लम हो तो वो निकल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये देख लीजिए, इसके जो शॉकर है मैं फुल जोर दे रहा हूँ तो भी बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि कस्टमर का कहना, तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूँ और इसी के बाद में इसके जो ये किस कारण प्रॉब्लम हुई है वही दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आप देख लीजिए, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मरघट सीधा है, टायर भी सीधा है और लाइट वगैरह सब सीधी है। अब इसका मैं क्या है, टायर का जो 19 नंबर का नट है इसको ओपन करने जा रहा हूँ और आपको देख लीजिए, आप ध्यान से ध्यान रखना, मैं जैसे इसका खोलता हूँ नट तो ये देख लीजिए, मैंने अब इतना नट लूज किया 5-6 जोड़ी और ये देख लीजिए इसके अंदर इतना गैप हो गया। ये गैप क्यों हुआ, यही इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अब मैंने गैप किया तो अब आप इसका देख लीजिए, मरघट और टायर का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। अब कस्टमर ये बोल रहा था मेरे पास में आया कि मेरी बाइक 1-2 महीने पहले किसी से थोड़ी बहुत टकरा गई थी। तब क्या है, टकराने के बाद में ये बाइक इसका, मैं जब नाइट में चलाता हूँ तो लाइट एक साइड में जाता था और टायर एक साइड में जा रहा। तब मैंने किसी मैकेनिक के पास में जाके बोला कि ये जो इसका टेढ़ा चल रहा है, देख लीजिए मरघट कहाँ पे और टायर कहाँ पे, इसको सीधा कर दो। तब उसने क्या किया, थोड़ा बहुत टायर को लूज़ करके और ये जो शॉकर की पाइप बेंड थी इसको घुमा दिया है। तो अब क्या हुआ कि हमारी बाइक की वो सीधा चलने स्टार्ट तो हो गई, एकदम बिल्कुल सीधी रही, परंतु प्रॉब्लम ये बढ़ गई कि इसके शॉकर है काफ़ी हार्ड हो चुके थे और इतनी खड्डों में वाइब्रेशन करते थी। तब मैंने मेरे पास में आए चलते ही आ गए थे, तब मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत वीडियो बना के आपको भी दिखा दो, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भी सही कर सकते हो। अब इसकी मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है वो दिखाता हूँ। तो मेरे को लगा है ये जो शॉकर की पाइप है इसके अंदर थोड़ा बहुत बेंड है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके एक जो 12 नंबर ये नट है यहाँ पे, एक इसको लूज़ करेंगे, एक ऊपर का नट है 12 नंबर का, इसको लूज़ करेंगे। तो जल्दी मैं इसका नट को लूज़ कर देता हूँ और इसके बाद में इसका प्रॉब्लम है वो आपको दिखा रहा हूँ, क्या बाइक के अंदर हुआ था और क्या इसने किया है वो भी आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। अब इससे शॉकर टाइट होने से प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो बाइक को जब हम चलाते हैं तो इसका हैंडल के ऊपर हाथ तो रखना पड़ता है, तो इतना हाथ के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे हाथ ऐसे करे, मैंने आपको क्लिप दिखाई थी उसके अंदर आपने देखा है इस टाइप से कर रहे थे और काफ़ी बाइक उछल रही थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, अगर ये जो शॉकर की पाइप आपको बेंड दिख रही है तो ये क्यों टाइट हुई है, कि इसका जो बॉटम है ये पाइप बॉटम के अंदर टचिंग हो रही थी, तो इसलिए क्या होगा, अगर थोड़ी दिनों बाद में चलने के लिए प्रॉब्लम आएगी, इसका पाइप भी कट जाएगा और बॉटम भी कट जाएगी, फिर ये शॉकर पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इससे पहले आपको प्रॉब्लम निकालने के क्या करें, कि आप हो सके तो आता शॉकर को बैंड निकलवा दे, अगर आप बैंड निकलवाने का टाइम नहीं है तो आप क्या करें, जो ये आप बैंड की आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको यही फेस करनी पड़ेगी, परंतु इससे खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, परंतु ये थोड़ी टेढ़ी चलेगी, इससे कोई खर्चा नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक इतना गैप दिख रहा है, ये देख लीजिए, अब इसको गैप को मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आप देख लीजिए ये जो पाइप है इसको मैं हाथ से थोड़ा बहुत घुमाऊँगा, ये देख लीजिए, अब इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा बहुत घुमाया, तो घुमाने से क्या होगा, इसका बैंड है जो पहले बाहर की साइड में किया हुआ था वो तो किया था, परंतु हुआ बैंड पीछे की साइड में था, तो इसलिए मैंने घुमाया तो वो बैंड चेंज हो गया। और ये देख लीजिए, ये जो बीच में आपको जगह दिख रही थी वो भी क्लियर हो गई, दोनों साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके नट को टाइट कर देता हूँ। अब ये तो बेंड रहेगा, परंतु जो बाइक के अंदर जो शॉकर हार्ड दब रहे थे वो सारा क्लियर प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस नट को अच्छी तरह से हम टाइट कर देते हैं और इसके बाद में ये वाला नट हमने खोला था इसको भी कर देते हैं टाइट और ऊपर का कर दे। अब इसके बाद में आपको मैं शॉकर को दबा के दिखाता हूँ
कि कैसा सॉकर काम कर रहा है। तो हो चुका कार्य और आप देख लीजिए सॉकर दब रहे। अब मैं इसका मेन स्टैंड को नीचे उतार देता हूँ। ये देख लीजिए अच्छी तरह से सॉकर काम हो रहा है और थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई थोड़ा, ये जो आपको टायर का डायरेक्शन चेंज है यही प्रॉब्लम आएगी, दूसरी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी बहुत वीडियो के अंदर जानकारी मिली है तो कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।